नगर निगम भिलाई क्षेत्र के बैकुंठ धाम में निर्मित हो रहा जिले का सर्व सुविधा युक्त सबसे बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वधर्म मांगलिक भवन, परंतु ठीक इसके बगल में शहर भर का कचरा भी एकत्र किया जाता है और यही कचरा पृथकीकरण यूनिट भी स्थापित है, जिससे इस मांगलिक भवन की उपयोगिता पर अब सवाल खड़ा होने रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के बैकुंठ धाम में बन रहा है दुर्ग जिले का सबसे बड़ा और सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वधर्म मांगलिक भवन। इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और बहुत जल्द इसका लाभ शहरवासियों को मिलने भी लगेगा, परंतु इस सर्व सुविधा युक्त सबसे बड़े मांगलिक भवन की शोभा को खराब कर रहा है इसके बगल में मिनी ट्रेंचिंग ग्राउंड, जहां शहर भर का कचरा डंप किया जाता है, जिससे बेवक्त दुर्गंध आती रहती है। और इसी के समीप में मौजूद है सेग्रीगेशन यूनिट, जहां सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग करके उनका निष्पादन किया जाता है। जिस प्रकार खूबसूरत चांद में दाग नजर आता है, उसी प्रकार इस खूबसूरत निर्माणाधीन मांगलिक भवन के बगल में स्थापित यह ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बदनुमा धब्बा साबित हो रहा है और अब इस सर्व सुविधा युक्त सर्व समाज के मांगलिक भवन की उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी भी काफी चिंतित हैं और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन बैकुंठ धाम में निर्माणाधीन है, जिसका 94% कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में वो उसके कुछ पेंटिंग वर्क और विद्युत वर्क जो है वो रनिंग पे है। इसके अलावा प्रथम तल में 12 कमरे हैं और एक बड़ा सा हॉल है, जहां मांगलिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, अन्य कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रथम तल में 13 कमरे हैं, जिसमें शौचालय सहित जो हैं वो कमरे बने हुए हैं। जो कार्यक्रम होंगे, उनके जो गेस्ट होंगे, वो फैमिली वाले जो वो वहाँ पे रुक सकते हैं। इस प्रकार बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वैकुंठ धाम में रोड के किनारे बना हुआ है, जिससे वहाँ के जो रहवासी आसपास के उनको फायदा मिलेगा, पूरे भिलाई वासियों को फायदा मिलेगा। अब इसकी जो प्लानिंग है वो की जा रही है कि किस दर पे और कैसे उसको देंगे, तो वो जो संभवतः जो बाकी मार्केट रेट है उनसे कम ही होगा, क्योंकि निगम के द्वारा तैयार किया जा रहा है और एक बहुत अच्छी सोच के साथ निगम सर्व समाज मंगली भवन को तैयार कर रहा है। इसमें पार्किंग व्यवस्था और लैंडस्केपिंग को भी लिया गया है, ताकि सौंदर्यीकरण दिखे और एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो भिलाई वासियों को एक मांगलिक कार्यक्रम के लिए मिल सके। देखिए, वो चांद में दाग तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली वो काम ही है कि सेग्रीगेशन का काम है। इस्लाम सेंटर की आप बात कर रहे होंगे संभवतः, तो वो इस्लाम सेंटर तो कचरे के सफाई के लिए ही बनाया जाता है, पृथकीकरण का काम उसमें चल रहा है और इसमें लगातार एक महोदय निर्देशित कर रहे हैं, फील्ड में विजिट कर रहे हैं और उसको व्यवस्थित करने को लेकर के जो आगे प्लानिंग है वो उस पर चर्चा हुई है। आगे प्लानिंग के तहत तो उसको व्यवस्थित किया जाने काम किया जाएगा। वैकुंठ धाम तालाब के आसपास के परिसर जो है वो जन सहयोग से हमने हमेशा साफ रखने को उसको प्रयास किया है। छठ पर्व भी वहाँ पर आयोजन होता है, लगातार आसपास की सफाई रखी जाती है, वैसे ही सफाई वहाँ पर भी रखी जाएगी। ठीक ऐसा ही एक छोटा मांगलिक भवन हाउसिंग बोर्ड इलाके में नाले के किनारे बनाया गया था, जो कि बिल्कुल अनुपयोगी साबित हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि यह सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन, जिसे नगर निगम द्वारा भारी भरकम रकम खर्च करके बनाई जा रही है, वह भी सिर्फ एक स्मारक बनकर रह जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।